नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बिहार शिक्षक भर्ती की डेमो ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो चालू हो गया है कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपके फॉर्म के समय मांगा जा रहा है। आप एक बार फॉर्म का डेमो जो है वो फिल कर लेंगे तो आपका जो 15 तारीख से फॉर्म लाइव होने वाला है तो उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। यहां पर आप जब डेमो फॉर्म फिल करेंगे तो जो भी चीजें मांगी गई हैं आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या एस्टेट चाहिए मैथ और साइंस वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बीएड चाहिए या नहीं चाहिए। जो भी समस्याएं हैं, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जो साइंस बीटेक वाले बंदे हैं उनके लिए एस्टेट जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो आपके बहम थी, जो भी समस्याएं थी, वो जरूर आप सभी लोग जिनको भी फॉर्म के लिए एलिजिबल हो चाहे नो एलिजिबल हो, आप लोग एक बार अप्लाई करके डेमो वाला जरूर देखिएगा कि क्या क्या मांगा जा रहा है और उसमें आपके पास क्या क्या है। और जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा 15 तारीख से तो उसमें आप गलती ना करें, नहीं तो बाद में गलती कर देते हो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, कभी एफिडेविट बनवाओगे कभी कुछ बनवाओगे, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आपके आयोग ने डेमो एप्लीकेशन फॉर्म लाइव किया है ताकि आप सभी भर के जो जो गलती होने की संभावना है उसे आप समाप्त कर सके। अगर इसके बाद भी डेमो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपकी कोई समस्या रह जाती है तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। जो बच्चे प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो परीक्षा प्लस टीम इसका निशुल्क बैच चला रही है, आप प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करके वहां पे क्लासेस देख सकते हैं। और जिनको ई बुक नोट्स चाहिए वो नाममात्र का शुल्क पे करके पूरा का पूरा किताब जो है पीडीएफ के फॉर्म में ले सकते हैं। तो चलिए मैं बता दूं, सबसे पहले आप ये लॉग इन करेंगे आप बिहार का बीपीएससी ऑनलाइन, आपको क्या डालना है, आपको डालना है ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in। इस पे जैसे आप डालेंगे तो आपका ये साइट खुल के आएगा और इसी साइट में यहां पे जाएंगे तो लिखा है अप्लाई ऑनलाइन डेमो एप्लीकेशन फॉर्म, डेमो टीचर रिक्रूटमेंट फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन। जैसे इस पर अप्लाई ऑनलाइन पे करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम महिलाओं के लिए, मदर नेम, आधार कार्ड जो भी होगा उसका नंबर आपको डालना है, उसका फोटो अपलोड करना है, आपसे पूछ रहा है आप बिहार के सिटीजन है तो यस करिए, उसका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका नंबर कब इशू हुआ उसको अपलोड करना है, उसके बाद ऐसे ही आपका एससी एसटी ओबीसी की जो सर्टिफिकेट है जो आप बनवा के रखे हैं उसको भी अपलोड करना है। जैसे आप जिस पे भी क्लिक कर देंगे, ठीक है, यहां पे एस करेंगे और जो भी आपकी कास्ट होगी उसका सर्टिफिकेट, कौन इशू किया है, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और उसका पीडीएफ अपलोड करना है आपको। फिर मैरिड है या अनमैरिड है जो भी वो मेल जेंडर आपको क्लिक करना है, फिर यहां से ग्रैंडसन ऑफ फ्रीडम फाइटर ये सब आपको क्या करना है क्लिक करना है, ठीक है। अब यहां पर देखो उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए भी यहां पर है, फिर यहां पे बोला डू यू वांट टू पे अ कंसेशन फी ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर एससी एसटी डिसेबिलिटी वाले, तो यहां पर भी आप बोल सकते हो। चलिए कि बार बार कम्युनिकेशन आ जा रहा है इसमें फेल का, हाँ। उसके बाद से यहां पर देखो पात्रता परीक्षा के बारे में बोला है, आप पात्रता परीक्षा धारण करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ दो मिनट रुक जाइए रिफ्रेश हो जाए एक बार। ठीक है, जब फॉर्म ही आएंगे तो वहीं पर आपका पूरा दिया है पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा। दक्षता तो वही दे सकते हैं जो 2012 से पहले के हैं टीचर, उन्हीं के लिए होता है। और पात्रता वाले में आपसे पूछेगा कि आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, बिहार स्टेट का पेपर वन या माध्यमिक के लिए आपका जो एक तरह से बोला जाए 9th-10th के लिए पेपर वन चाहिए, 11th-12th के लिए आपका पेपर टू चाहिए, तो ये सब चीजें आपसे वहां पर मांगी जाएंगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो आपको रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको फिल करना है
और कुछ नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन के समय ही वो पूरा का पूरा आपको फिल करना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अभी अभी ये लोड हो जाएगा तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा कहां पे क्या मांगा गया है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें मांगी गई हैं उसका विथ प्रूफ मांगा गया है, मतलब वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी मांगा जा रहा है। चलिए अभी आ रहा होगा, ये लोड हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूं। बहुत स्लो चल भी रहा है वेबसाइट जो है, ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि क्या इसमें इशू है आप लोग। लेकिन फॉर्म सभी लोग फिल करिएगा, फॉर्म जरूर फिल करिएगा, अगर फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो समस्या हो जाएगी आपको। जब 15 तारीख से फॉर्म लाइव होगा आपका, तब आपके लिए समस्या हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, वो जेंडर वाले पे क्लिक करने पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बाकी आपका एड्रेस है यहाँ, देखिए जब आप आएंगे यहाँ पे तो डेस्टिनेशन इंटर स्कूल सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा है, ठीक है, एक्स सर्विस मैन है उसका पूछा है। अब उसके बाद से पात्रता परीक्षा, आप इनमें से किसकी पात्रता या दक्षता धारण करते हैं, तो यहाँ दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक के लिए है। अब पात्रता पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप इनमें से किस पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं, सीटेट पेपर वन, बिहार टेट पेपर वन, ठीक है, या बिहार स्टेट पेपर वन, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण का वर्ष, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019 या अन्य कोई और अन्य वर्ष में आपने किया है, या बिहार स्टेट पेपर टू, तो ये सब तो आपको भरना ही भरना है ना, तो इस पे तो क्लिक आपको करना ही करना पड़ेगा पात्रता वाले में। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता में बोल दिया है, बीए, बीएड, बीएलएड, बीएससी, बीएड, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी, ये सब आपका बीएड के इक्विवेलेंट वाला हो गया। और यहां पर देखो आप केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी हैं 11 और 12 के लिए खास कर, क्योंकि उसमें बीएड नहीं मांगा है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का मैथ वाले जो चिल्ला रहे थे सबके सब कि अरे सर जी मैथ में बीएड बीटेक किया आदमी को बीएड जरूरत नहीं है, तो यहां साफ साफ किसके लिए लिखा है बच्चा, कंप्यूटर विज्ञान के लिए लिखा है। और हमको सब बोल के जा रहे थे कि अरे ये इसको कुछ इनकी जो वीडियो ये नहीं कुछ जानते हैं, बीएड वाले बीटेक वाले बिना बीएड के मैथ टीचर के टीचर बन सकते हैं साइंस के, लेकिन ऐसा नहीं है, आप सिर्फ कंप्यूटर के बन सकते हैं और इसके लिए नहीं, और कंप्यूटर में भी सिर्फ सीएसआईटी वाले, बाकी के लिए अलग से चलना चाहिए। संगीत विषय के लिए भी आपका यहां पर दिया गया, क्योंकि संगीत के लिए भी बीएड जरूरी नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका डीओबी मांगा है, आपका एड्रेस मांगा है, परमानेंट एड्रेस मांगा है, उसके बाद से यहां पर चीजें जो डिटेल मांगी है, ईमेल एड्रेस मांगा है, वहां से वेरिफिकेशन कोड आपसे कराएगा, मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा वो वेरीफाई होगा, और कैप्चा वेरीफाई करोगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। मैक्सिमम डेटा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो कंफ्यूजन था आपका मांग लिया गया है, और 15 तारीख से ये फॉर्म आपका स्टार्ट होगा। तो इससे पहले आप लोग ये 13 तारीख आज तक ही सिर्फ ये शायद फॉर्म रहेगा,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा डेमो वाला, इसे आज फिल करके आप किसी तरह आप आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आप इसे जरूर फिल करिएगा। फिर उसके बाद से कोई कोई समस्या रह जाती है तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।